वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस। इस वीडियो के थंबनेल्स और टाइटल्स को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, एक टीचर बन के नहीं खड़ा हूँ, आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, जितने भी बच्चे बिहार DLRS की परीक्षा दिए हुए हैं अगस्त के महीना में, और सभी बच्चे रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, उन सभी बच्चों का एक आवाज बन के आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सबसे पहले आपको याद दिला दूं, 3 साल पहले जितने भी 18 से 21 सेशन के बच्चे होंगे, 19 से 21 लेटरल इंट्री या 19 से 22 सेशन के बच्चे होंगे, वो मुझे काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि जब कोरोना के टाइम में जब सभी कॉलेज बंद था, उस समय डिसीजन हुआ था कि सभी को ऑनलाइन पढ़ाई कराया जाएगा, और जब एग्ज़ाम लेने की बात आया था तो SBT बोर्ड ने ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने का प्लानिंग कर लिया था। सभी बच्चे परेशान थे, तो सभी टीचर और सभी बच्चे ने एक साथ मिलकर आवाज उठाया था कि अगर हमने ऑनलाइन पढ़ाई किया है तो एग्जाम भी ऑनलाइन देंगे, और सभी ने मिलकर ट्विटर ट्रेंड चलाया था, और सभी टीचर एक प्लेटफॉर्म पे आके बच्चों का सपोर्ट किए थे, और उस सपोर्ट का पॉजिटिव न्यूज आया था और सभी बच्चों को बिना एग्जाम लिए अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया था। तो खैर, ये पुरानी बातें हैं, बस याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब तक सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। खैर, आज हम बात करेंगे बिहार DLRS अमीन परीक्षा के ऊपर। देखिए, जो भी बच्चे इस उम्मीद से आए होंगे इस वीडियो पे कि सर बताएंगे कि रिजल्ट कब आएगा, तो पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं कोई डेट बताने नहीं आया हूँ यहाँ पे। हम कुछ सवाल करेंगे आपसे, और जो भी सिस्टम में बैठे अधिकारी है उन सभी से कुछ सवाल करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप सवाल का जवाब आप अपने स्तर से सोच समझ कर दीजिएगा। मैं कोई यहाँ पे रिजल्ट का किस डेट में रिजल्ट आएगा ये बताने के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पिछले 2 महीना से, जब एग्जाम हुआ था आपका अगस्त महीना में, उस महीना से अब तक ना जाने कितने यूट्यूबर्स बन गए, कितने यूट्यूबर्स आ गए, कितने यूट्यूबर्स इस एग्जाम के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिए और अच्छे खासे बढ़ गए। डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता है कि फलाने डेट में रिजल्ट आ रहा है, आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है। 30 दिन होता है पूरे महीना में, तो 30 वीडियो डालते हैं और डेली एक नया नया डेट बताते हैं कि इस डेट में रिजल्ट आ रहा है। वो सब आप बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को। रिजल्ट आना होगा तो ऑफिशियल साइट पे अपडेट हो जाएगा, ये नहीं कि यूट्यूब पे अपडेट करेगा। रिजल्ट हमेशा ऑफिशियल साइट पे आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद देख सकते हैं। देखिए, ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये जो यूट्यूबर्स है ना, ये बेवकूफ नहीं, बेवकूफ आप और हम लोग हैं जो कि ऐसे वीडियो देखते हैं। कोई कोई वीडियो कहता है कि गुप्त सूत्रों से पता चला है, कोई कहता है ब्रेकिंग न्यूज लाता है, पता ना क्या क्या लाता है लोग, कि गुप्त सूत्रों से पता चला है कि रिजल्ट फलाने डेट में आएगा। कितने यूट्यूबर्स तो अगर सितंबर महीना में ही रिजल्ट ला रहे थे, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर महीना में, दशहरा से पहले, दशहरा के बाद, दिवाली से पहले, दिवाली बाद, छठ पहले, छठ बाद, अब तो कह रहे हैं कि नवम्बर के लास्ट वीक में आएगा, और देखते देखते उन लोग वो लोग बोलेंगे कि दिसंबर में चला जाएगा, जुलाई में चला जाएगा। आज तक उस यूट्यूब कोई भी यूट्यूबर्स ने डायरेक्ट सिस्टम से सवाल नहीं किया है कि क्यों लेट हो रहा है रिजल्ट में, रिजल्ट आखिर रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है, क्या खामियां आ रही है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने डायरेक्टली नहीं पूछा किसी भी सिस्टम से, सब अपना यूट्यूब वीडियो वायरल कराने में लगे हुए हैं कि भाई फलाने डेट में रिजल्ट आएगा, और बच्चे बेवकूफ भी बन रहे हैं, और आप और हम बेवकूफ भी बन रहे हैं, उनके वीडियो को देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो वाकई में अधिकारी से पूछ के बता रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे यूट्यूब को BCC बोर्ड के बाहर इनो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, तो कहाँ से आपको आधिकारिक खबर देंगे। वो ऐसे ही बस बेवकूफ बना रहे हैं, और हम और आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं। बेहतर होगा, देखिए आप सभी लोग एक यूट्यूबर हैं, हम दूसरे का वीडियो क्यों देखते हैं। कल को आप भी वीडियो बना के डालिए, आप भी कोई अनुमान कर लीजिए, आपका ही वीडियो वायरल जाएगा। तो ऐसे बेवकूफ किसे समझ रहे हैं, पब्लिक को समझ रहे हैं या फिर खुद समझ रहे हैं, और पब्लिक तो देख ही रही है वीडियो आप लोगों की। तो खैर, उन यूट्यूबर के बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो देखिए, हमारा जो एग्जाम हुआ था बिहार DLRS अमीन परीक्षा का एग्जाम अगस्त महीने में हुआ था, अगस्त में कंप्लीट हो गया था, और एग्जाम से लेके अब तक 3 महीना कंप्लीट हो चुका है, और अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा और कब नहीं आएगा। बात करें कुछ 2-4 एग्जाम के बारे में, आप लोग भी बेहतर जानते होंगे कि NHPC JEE का एग्जाम हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका। फिर जुलाई में एग्जाम हुआ था, UPSC JEE एग्जाम लिया था, उसका भी फाइनल रिजल्ट आ चुका। फिर 23 या 24 अगस्त को DFCCIL JEE का एग्जाम हुआ था, उसका भी फाइनल रिजल्ट आ चुका। और सबसे बड़ी बात
सेंट्रल एग्जाम होता है एसएससी जेई, उसका भी एग्जाम हुआ था, सितंबर में एग्जाम हुआ था, और उसका भी आपका ऑलमोस्ट फाइनल ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेज का क्लियर ही कर दिया है, और सेकेंड सीबीटी कब लेगा ये भी पहले ही डिसाइड कर दिया कि दिसंबर में एग्जाम होगा। चार पांच एग्जाम आए हम लोग के साथ ही, डीएलआरएस एग्जाम के साथ ही हुआ, और उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि भाई डीएलआरएस परीक्षा जो एग्जाम हुआ है उसको रोक के रखा जा रहा है? क्या ऐसा अगर ज्यादा लेट हो रहा है या फिर कोई टेक्निकल इशू है तो आप एक नोटिस अपलोड कर दीजिए वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे कि इस कारण से लेट हो रहा है, या फिर एक महीना बाद, दो महीना, तीन महीना बाद आएगा, एक नोटिस अपलोड कर दीजिए। डेली बच्चे उम्मीद लगा के बैठे और ना जाने बच्चे डेली 50 से 100 बार ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करते हैं कि कहीं नोटिस अपडेट तो ना हो। लोग कितने बच्चे तो एलआरसी का रिजल्ट के इंतजार में अपना कितना एग्जाम छोड़ दिए हैं, तो क्यों ना उसको अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ऑफिशियल साइट पे हम अपलोड ही कर दे कि इस इशू से नहीं आ रहा, इस रीजन से हमारा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। आप बोल दीजिए 6 महीना बाद आएगा, कोई बात नहीं, बच्चे किसी और चीज का प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन आप जो डेली देखते देखते 1 महीना 2 महीना 3 महीना बिना कोई नोटिस के निकलते जा रहा है ना, ये सबसे ज्यादा दुख दे रहा है। और हम और आप लोग क्या करते हैं कि YouTube पे सर्च करेंगे कि DLRS अमीन का एग्जाम के रिजल्ट कब आएगा, कलर का रिजल्ट कब आएगा। सर्च क्या करना है, 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे, याद रखिएगा 1.5 लाख बच्चे, और 1.5 लाख बच्चे में अगर 5,000 बच्चे भी, सबके पास मोबाइल है, आपसे ही हम बात कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं ना आप ही लोग से हम बात कर रहे हैं, सबके पास मोबाइल है, सबके मोबाइल में कैमरा भी है, आप 1.5 लाख बच्चे में 5,000 बच्चे भी, अगर 1,000 बच्चे भी अगर डेली वीडियो अपलोड करने लगे ना यूट्यूब पे, आप 30 सेकंड का वीडियो बनाइए, 1 मिनट 2 मिनट जितना आप सक्षम है उतना देर का वीडियो बनाइए, और डायरेक्ट सिस्टम से सवाल कीजिए कि भाई हमारा रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है, क्या ऐसा रीजन हो रहा है कि हमारा रिजल्ट 3 महीना हो गया एग्जाम लिए हुए अभी तक हमारा एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। आप डेली अपलोड कीजिए, देखिएगा जब कोई भी टॉपिक जब ज्यादा आने लगता है, ट्रेंड होने लगता है, तो जाहिर सी बात है उस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाता है। तो यही सब बात है। और दूसरी बात, सबसे बड़े अगस्त में ही एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी का शिक्षक बहाली, जो कि 1,70,000 पोस्ट पे इस बहाली को लिया गया था, और इसमें तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे हुए थे। उन लोगों का एग्जाम अगस्त में हुआ और 1.5 महीना के अंदर में फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग तक हो गया, और उन लोगों का एग्जाम ऑफलाइन मोड में था, ओएमआर सीट पे एग्जाम हुआ था, ये बात आप बेहतर जानते होंगे। और हम लोगों का एग्जाम जो डीएलआरएस का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन मोड में हुआ था, फिर भी आपको इतना लेट लग रहा है फाइनल रिजल्ट देने में। इसमें तो टोटली 1.5 लाख बच्चे बैठे थे और उसमें तो आपका 1,70,000 सीट था और 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, और उन लोगों का रिजल्ट आप 1.5 महीना में क्लियर कर दिए, तो आप 1.5 लाख बच्चे जो टोटल बैठे हैं डीएलआरएस अमीन में, इसका तो रिजल्ट आप 1 हफ्ता में भी क्लियर कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। तो जी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी सिस्टम में बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी बच्चे का परेशानी समझिए कि और अपडेट कीजिए कि क्या रीजन हो रहा है, कि क्यों लेट हो रहा है। याद रखिएगा 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं बिहार डीएलआरएस अमीन का, या बिहार डीएलआरएस, उसमें 4 पोस्ट था, अमीन, कानून, गो, एएसओ और फिर क्लर्क का, 1.5 लाख बच्चे, और ऑन एन एवरेज एक बच्चे के फैमिली में देखा जाए तो 5 मेंबर जरूर होते हैं, तो 1.5 लाख गुना 5 किया जाए तो 7.5 लाख लोग इंतजार इस उम्मीद में बैठे हैं कि अब रिजल्ट आएगा। सिर्फ यहाँ पे बच्चे इंतजार में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे 7.5 लाख लोग इंतजार में बैठे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। और यकीन मानिए जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट से ज्यादा उसके माँ बाप को खुशी होता है कि हमारे बच्चे का एग्जाम हो गया। याद कीजिएगा कि ये वैकेंसी अक्टूबर 2022 में ये वैकेंसी आया हुआ था, और 2022 में ये जो वैकेंसी आया, फॉर्म फिलअप भी हो गया, सब कुछ हो गया, बस जब लास्ट स्टेज पे था, रिजल्ट आना बाकी था, तो उस समय आपने कैंसिल कर दिया इस वैकेंसी को। उस समय मार्क्स बेसिस पे था, मेरिट बेसिस पे था, फिर भी उस समय कोई परीक्षा शुल्क नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय 3 लाख फॉर्म गिरा हुआ था, हमें पूरे अच्छे तरीके से पता है, और कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं था, लेकिन फिर भी सभी बच्चे ने साइबर कैफ में जाके उस फॉर्म को डाला था। अंदर डर था कि अगर मोबाइल से डालेंगे तो अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तो कुछ गलती ना हो जाए, इसीलिए सभी लोगों ने साइबर कैफ में जाके फॉर्म फिलअप किया था और 100-100 रुपया दे के दिया फॉर्म फिलअप किया था। फिर अचानक से आप उसको कैंसिल कर दिए और बोले कि एग्जाम लेके हम
इसका बहाली प्रक्रिया को पूरी करेंगे एग्जाम लेने के बाद। अचानक से सभी बच्चे आंदोलन पे उतर गए कि नहीं, पुराने बहाली पे ही इसको पूरा किया जाए, मेरिट बेस पे ही पूरा किया जाए। क्योंकि क्यों आंदोलन पे उतरे थे, क्योंकि उन सभी बच्चों के अंदर डर था इस बात को लेकर कि कहीं ये वैकेंसी फिर से लटक ना जाए, फिर से देर ना हो जाए। और आप लोग डेली पेपर में उस समय मीटिंग पेपर में आप लोग बोलते थे, न्यूज़ में आता था कि सर्वे का काम बहुत पीछे चल रहा है, हमें फरवरी 2024 तक सर्वे का काम पूरा करना है। खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोला था इस बात को कि बिहार में 60% लड़ाई जमीन को लेकर होता है, इसीलिए सबसे पहले हम जमीन का काम जितना भी सर्वे होगा इसको बिल्कुल डिजिटली तरीके से संपन्न कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। तो फिर क्या हो गया, आप एक साल पहले इतना बेचैन थे इस बहाली को कंप्लीट कराने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए, और एक साल हो गया आपने वैकेंसी कैंसिल किया। कोई बात नहीं, बच्चे आंदोलन किए और उस समय कुछ यूट्यूबर्स भी आए थे, 4-5 यूट्यूबर्स आप लोगों के सामने, और दावा कर रहे थे कि नहीं एग्जाम बेसिस पे ही आपका बहाली प्रक्रिया पूरी कराएंगे। आए और फंडिंग किए खूब अच्छे से और पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बोले थे कि PIR दर्ज करेंगे हाई कोर्ट में, और वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी साइट पे अपलोड करा दिए थे पता ना कहाँ से एडिट करके, और अचानक से गायब हो गए और आज तक कहीं सोशल मीडिया पे वो दिखाई नहीं दिए। आज तक ये भी वो डिस्क्लोज नहीं किए कि भाई कितना फंडिंग हुआ था, कितना कलेक्शन हुआ था बच्चों की तरफ से। ऐसे बहुत लोग आएंगे यूट्यूब पे फंडिंग करेंगे और अपना काम बनाएंगे और चले जाएंगे, बेवकूफ़ आप और हम जैसे लोग बनते हैं इस सब चक्कर में। फिर भी बच्चे उम्मीद लगा के आंदोलन किए, मुख्यमंत्री आवास को घेराव किए थे वहां पे जाके, और वहां पे जाने के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बोले थे कि इस बार जो बहाली प्रक्रिया होगा 3 महीना के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म फिलअप करके फाइनल रिजल्ट तक, और इस बार जितने ही बच्चे आएंगे फिल्टर होके आएंगे एग्जाम के थ्रू। तो पहले ही मैं आपसे बता दूं कि जो भी बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो पहले BCEC एग्जाम के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर जाके उनका एडमिशन होता है डिप्लोमा में, और डिप्लोमा में 30 सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम देते हैं। और अगर बात कर ले असाइनमेंट की, एक्सटर्नल इंटरनल प्रैक्टिकल वर्कशॉप टीम वर्क सबका मिला ले तो पूरे 3 साल में बच्चे 50 से ज़्यादा एग्जाम देते हैं, उसके बाद डिप्लोमा पास आउट होते हैं। फिर भी उनको इंतज़ार करना पड़ता है पास आउट होने के बाद भी कि बहाली आएगा पर तो हम फॉर्म फिलअप करेंगे और रोजगार लेंगे और कोई नौकरी हम लेंगे बिहार में। लोग बेचैन क्यों हैं? आपके अंडर में काम करने के लिए बेचैन है सर, आपके अंडर में आपके लिए काम करने के लिए हम लोग बेचैन हैं कि आप जल्दी से इसका बहाली कंप्लीट कराइए। और उस समय तो बहाली को आप कैंसिल भी कर दिए थे, और हमें याद है ये भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि जब जनवरी या फरवरी 2023 में बच्चे आंदोलन कर रहे थे पटना में, तो उस समय मोकामा के कोई विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इस बार एग्जाम का बहाली एग्जाम होगा और एग्जाम के थ्रू बहाली प्रक्रिया पूरा होगा और ये 2 से 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, ये बोला गया था जुलाई 2023 में। फिर भी हम लोगों ने इंतजार किया और ये फाइनली जाके अप्रैल महीना में इसका नोटिफिकेशन आता है, और अप्रैल महीना से लेके 1 महीना तक फॉर्म फिलअप होता है, और फॉर्म फिलअप होने के बाद अगस्त में इसका एग्जाम होता है, और एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया कंप्लीट। एग्जाम होने के बाद 15 दिन के बाद आपका आंसर की भी आ जाता है, बच्चों के अंदर बहुत उम्मीद रहता है कि ये ऐसा पहला बहाली है जिसका इतना तेजी से प्रोसेस हो रहा है, और बहुत बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे इसको लेकर कि ये बहाली प्रक्रिया वाकई में बहुत तेजी से होगा और कंप्लीट होके हमें नवंबर तक फाइनली ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। यहाँ तक कि 10 दिन पहले का न्यूज़पेपर कटिंग आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, हमारे जो आलोक मेहता, श्री आलोक मेहता जी है, मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, उन्होंने ये बोला था, बाकायदा उन्होंने इस बात को रखा था कि हाँ नवंबर में बहाली प्रक्रिया पूरी करा लेंगे और दिसंबर या नवंबर के आखिरी तक ज्वाइनिंग करा देंगे। तो अब तो नवंबर भी आ गया, नवंबर भी खत्म होने वाला है, अभी तक कोई स्कोर कार्ड तक नजर नहीं आया, कोई फाइनल रिजल्ट तक नजर नहीं आया। तो यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी सिस्टम में बैठे अधिकारी है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी, उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि रिजल्ट को जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। और याद रखिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं, किसी से हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस आप लोग सिस्टम से सवाल करना शुरू कर दीजिए। आप एक छोटा सा एक आदर रिस्पेक्ट के साथ पूछिए सिस्टम से कि सर क्यों लेट हो रहा है रिजल्ट आने में, क्यों देरी हो रहा है। और जितने ही बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं ना, तकरीबन 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं, अगर डेली अगर 1000 बच्चे भी अगर 2 मिनट का ही वीडियो बना के अपलोड करने लगे ना,
तो यही काफी है। और जब ज्यादा जब एक ही टॉपिक पे जब ज्यादा वीडियो होने लगता है ना, तो ये भी न्यूज वालों के नजर में आ ही जाता है। और बाद में देखिए, इसमें जितना हम लोग तमाशा देखेंगे ना, उतना ही लेट होगा। हमें खुद से एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेने वाले आप और हम सब लोग हैं। देखिए, मैं ओपनली एक बात कहने वाला हूँ कि मैं बिहार में दो ही टीचर को फॉलो करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। एक है नेक्स्ट एग्जाम 8 PM के अनुभव राज सर, और दूसरा देसी मास्टर के फारूक सर है। ये दोनों वाकई में डिप्लोमा के जितने बच्चे हैं उन लोगों का मसीहा है। कभी जब भी प्रॉब्लम आया है डिप्लोमा के बच्चों को लेकर, उन लोगों ने कदम से कदम मिला के सही बच्चों का साथ दिया है। तो इस बार भी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब सबर का इम्तहान खत्म हो गया, अब इंतजार करते करते बहुत समय गुजर चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुहिम एक छेड़िए, थोड़ा बहुत ही सही, छोटा मोटा ही सही एक मुहिम तो छेड़िए। आप बस एक चिंगारी तो लगाइए, धमाका करना हमारा और जितने ही बच्चे एग्जाम दिए उन लोगों का काम है। आपको करना है कि आप बस आगे आइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि आगे का एक्शन क्या करना है, और बस आप साथ तो दीजिए, आप कदम से कदम तो मिलाइए। बाकी सब बच्चे स्टूडेंट हैं, सब लोग स्टूडेंट, और स्टूडेंट का पावर आप लोग जानते नहीं है, स्टूडेंट का पावर क्या होता है। जब स्टूडेंट अपने ऊपर आ जाए ना, तो अच्छे अच्छे का कुर्सी हिला सकते हैं। जब स्टूडेंट खुद ही एक पहचान होता है, जहाँ स्टूडेंट खड़ा हो जाता है ना, वहाँ उसकी एक अलग पहचान होती है। और जहाँ पे 4,000-5,000 बच्चे जब एक सड़क पे उतर जाएगा ना, तो अच्छे अच्छे का जमीन हिल जाएगा। तो बस फारूक सर से और अनुभव राज सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में थोड़ा सोचिए कि आगे करना क्या है। वरना अगर इस बार अगर हम लोग चुप बैठे, तो याद रखिएगा आने वाला BTSC JEE है, आने वाला और भी पेपर में 3-4 महीना पहले हम देखे थे कि 4,000 AE का पोस्ट आ रहा है और 8,000 JEE का पोस्ट आ रहा है, और ये बस पेपर में ही देखने को मिलता है। आज तक जब जमीनी स्तर पे आए ना, तो कहीं भी ये बहाली देखने को नहीं मिलता है। बस पेपर में ही अच्छा लगता है, बस फाइल में अच्छा लगता है, फाइल में चढ़ा दिए और फाइल बंद करके रख दिए, वहीं पे ये बहाली अच्छा लगता है। तो याद रखिए, अगर आज हम चुप रहे हैं ना, बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि LRC का जॉब अच्छा नहीं है। अरे कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, जॉब एक रोजगार होता है। आज के टाइम में अगर हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, अगर सरकारी नौकरी मिल गया ना, तो समझिए भगवान से मिल गए। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आज चुप रह गए, तो याद रखिएगा BTSC JEE कभी नहीं आने वाला है, ना ही आपका BSPHCL JEE आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक आवाज बनना होगा, चाहे बच्चे हो चाहे टीचर हो। जितने भी टीचर बिहार के हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिल के आइए। और मैं कोशिश भी किया था नेक्स्ट एग्जाम सर से बात करने के लिए, अनुभव राज सर से, फारूक सर से बात करने के लिए, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई है। और कोशिश कल भी करेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि ये वीडियो सर के पास जरूर पहुंचा दीजिएगा। अगर कोई भी एक्शन लेती हैं, तो वीडियो को थोड़ा बस बोल दे, बाकी काम हमारा है बच्चों के पास फैलाना। तो और याद रखिए, बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि झूठ मूठ के मोबाइल ले लेंगे और स्क्रीनशॉट पे मोबाइल के पीछे बोलते रहेंगे, लेकिन उस समय भी हमने सिस्टम से सवाल किया था फेस टू फेस, चेहरा दिखा के। और आज भी हम सवाल करेंगे फेस टू फेस, चेहरा दिखा के। हमें किसी बच्चे से दिक्कत नहीं है, हमें किसी यूट्यूबर से दिक्कत नहीं है, हमें बस सवाल करना है तो सिस्टम से सवाल करना है कि भाई 3 महीना हो गया एग्जाम को लिए हुए, अभी तक इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, सबर एक लिमिट तक होता है। और रिस्पॉन्स अगर आपका सही रहेगा, अगर अनुभव राज सर का सपोर्ट रहेगा, या फिर फारूक सर का अगर साथ रहेगा ना, तो एक अकेला ही काफी है। मुहिम छिड़ेगा, आंदोलन करेंगे, और बस जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। एक चीज और हम बता दें, एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, जितने ही बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के पास भी कैमरा है, आपसे हम बात कर रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास भी मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा होता है, आप 10 सेकंड का ही वीडियो बनाइए, 20 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो बनाइए, और डेली अपलोड कीजिए आप लोग वीडियो बना के, कि हाँ सिस्टम से सवाल कर कीजिए आप लोग कि क्यों सर लेट हो रहा है, क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसे तकनीकी प्रॉब्लम है कि हमारा एग्जाम का रिजल्ट आने में डिले हो रहा है। बस अपलोड कीजिए, जीमेल तो सबके पास है, सब डेली वीडियो अपलोड कीजिए आप लोग। नो मैटर, ये मत डालिएगा कि हाँ फलाने डेट में रिजल्ट आ रहा है, नहीं, जब हमें ऑफिशियली पता ही नहीं है, तो हम संभावित कैसे कर सकते हैं। जैसे यूट्यूबर्स थे ना, बहती गंगा में हाथ धो लिए, 3 महीना में कितना जाने कितने यूट्यूबर्स बन गए।
तो वैसा नहीं करना है, किसी बच्चों के उम्मीद के साथ हमें नहीं खेलना है। और आप वीडियो बनाइए आप लोग बस, और रिक्वेस्ट है जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और बच्चों लोग का साथ दीजिए, क्योंकि आज हम जितने भी टीचर हैं ना बच्चे की वजह से ही हैं, अगर बच्चे नहीं रहेंगे ना तो टीचर का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। तो इसी बात से, यही बात से हम यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं कि सिस्टम से सवाल कीजिएगा आप लोग, और बस आप थोड़ा साथ दीजिए, थोड़ा हम साथ देंगे, और चलते चलते यूं ही कारवा बनते चला जाएगा। और रिस्पांस के ऊपर एक अगला वीडियो बहुत जल्दी ही आएगा आप लोगों के लिए, अमीन के ऊपर, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे लेकिन छोड़ेंगे नहीं साथ, हम करेंगे जो करना होगा। जब कोई भी अपने पे आ जाए ना तो एक अकेला इंसान भी काफ़ी होता है, आंदोलन होगा चंपारण की धरती पे, ये जॉब क्लियर हो के रहेगा, याद रखेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे माननीय नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस बात को याद रखेंगे कि 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए और एक मेंबर में, एक स्टूडेंट के घर में 5 मेंबर होते हैं, 7.5 लाख लोग इस बात को याद रखेंगे। अगर वैकेंसी के साथ कुछ हो गया ना सर तो आपका भी समय आएगा और आप भी आएंगे बहुत जल्द हम आम लोगों के बीच में, और उस समय हम भी आप लोगों को याद दिलाएंगे कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया था, एक एक चीज याद रखेंगे। और रही बात तो आप जितने भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, माननीय नीतीश कुमार जी, वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन रोजगार बस शिक्षक के फील्ड में दे रहे हैं, बस उनका बराबर नजर नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, कि सभी डिपार्टमेंट को एक नज़र से देखिए, जितना वैल्यू टीचर्स का है हम लोग भी, जूनियर इंजीनियर भी उतना ही मेहनत करते हैं इस बिहार को आगे बढ़ाने में, और इस बिहार को विशेष दर्जा दिलाने में हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। इसी बात के साथ मैं यहाँ पे बात खत्म, जय हिंद।